Hello guys, this is Kushagra. Welcome to Kushagra Center for Excellence. So guys, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 3rd. सो ये चैप्टर 3rd है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का. सो चैप्टर 2 में हमने क्या डिस्कस करा था? फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ. अर्थ के फिजिकल फीचर के बारे में हमने डिस्कस करा था. चैप्टर 1st में हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कस करा था. सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज. ड्रेनेज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ड्रेनेज यानी कि क्या? ड्रेनेज यानी कि रिवर. ड्रेनेज का मतलब रिवर ही होता है, एकदम रिवर ही होता है ड्रेनेज का मतलब. सो यानी कि रिवर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो चलिए ड्रेनेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो पहले देखिए ड्रेनेज होता क्या है. ड्रेनेज टर्म क्या बताता है हमें? एरिया ऑफ रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम का जितना भी एरिया है वो हमें क्या बताता है? ड्रेनेज हमें बताता है कि रिवर सिस्टम का जितना भी एरिया है उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं. ठीक है, अब एक बात और आती है ड्रेनेज बेसिन. क्या ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन क्या है? द एरिया ऑफ ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर. जो एरिया ड्रेन्ड हो रहा हो सिंगल रिवर से, सिर्फ सिंगल रिवर से ड्रेन्ड हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन. क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन. अब ड्रेनेज बेसिन क्लियर हुआ, फिर इसके बाद आता है वाटर डिवाइड. क्या वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड क्या होता है? सो वाटर डिवाइड क्या होता है, चलिए देखते हैं. वाटर डिवाइड में क्या होता है कि जब एक माउंटेन या अपलैंड क्या कर रहा होता है, माउंटेन और अपलैंड क्या डिवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें डिवाइड कर रहे होते हैं किसको? टू ड्रेनेज को, दो ड्रेनेज बेसिन को. सो उसी को हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड. अब देखिए वाटर डिवाइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लिया कि हमने यहाँ पे क्या है, ये वाटर डिवाइड बना लेता हूँ मैं एक. यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन है, माउंटेन है. यहाँ पे अपलैंड, यहाँ पे ये माउंटेन है या अपलैंड है कुछ भी है, और यहाँ पे ये रिवर है. यहाँ पे ये ड्रेनेज बेसिन है. यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रीम वन लिख देता हूँ यहाँ मैं. स्ट्रीम वन, यह है स्ट्रीम टू, ये वो स्ट्रीम टू, ये स्ट्रीम वन. सो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या है, वाटर डिवाइड है. क्या है ये? है हमारी एक वाटर डिवाइड. क्या? वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड देखिए ये हमारी क्या है, ये वाटर डिवाइड है हमारी. अब यहाँ पे ये हमारी वाटर डिवाइड हो गई. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीम वन, यहाँ पे स्ट्रीम टू. सो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे ये स्ट्रीम वन हो गई, यहाँ पे स्ट्रीम टू हो गई. सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाटर डिवाइड हो रहा है एक माउंटेन और अपलैंड से. ठीक है, ये क्लियर हुआ. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो इसके बाद क्या चल रहा है? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. सो इससे पहले हम क्या, मैं अभी आता हूँ एक मिनट. तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में देखिए, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वही रिवर सिस्टम इन इंडिया. सो कौन कौन सी रिवर में होता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया? ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो कौन कौन सी रिवर में होता है? सो दो रिवर्स होती है, द हिमालयन रिवर. क्या हिमालयन रिवर होती है? एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स क्या होती है? अब यहाँ देख सकते हैं आप हिमालयन रिवर्स, और पहले देखते हैं पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है. तो हिमालयन रिवर्स में डिफरेंस, और हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं. अब यहाँ देखिए आप मैप में देखिए, यहाँ पे ये जो जितना भी जम्मू कश्मीर से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जितना भी ये है, इतने में क्या होता है, ये सब मैंने बताया था हिमालयांश होते हैं. क्या बताया था मैंने? हिमालयांश होते हैं, मैंने बताया था. ठीक है, सेकंड चैप्टर के आपको हिमालयांश होते हैं. सो यहाँ पे हिमालयांश जो होते हैं, हिमालय से ही क्या निकलती है हमारी, हिमालयन रिवर से निकलती है, हिमालयन रिवर फ्लो होती है हिमालय से. ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हिमालय से हिमालयन रिवर फ्लो होती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इसके बाद देखिए हिमालयन से ही हिमालयन रिवर फ्लो होती है. और पेनिनसुलर रिवर कहाँ से फ्लो होती है? यहाँ से, कहाँ से? पेनिनसुलर प्लेट्यूज से. पेनिनसुलर प्लेट्यूज से, यहाँ से. ये जो पेनिनसुलर प्लेटो होता है इतने एरिया में, मतलब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है उसमें फ्लो होती है. ठीक है, यहाँ से फ्लो होती है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक कहाँ से फ्लो होती है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एक हिमालयन माउंटेन से और एक पेनिनसुलर प्लेट्यू से. सेकंड डिफरेंस क्या है, फिर ये जो होती है हमारी हिमालयन रिवर्स वो क्या होती है, पेरिनियल्स होती है. क्या? पेरिनियल्स. और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो होती है सीजनल. क्या होती है? सीजनल. अब देखिए जो हिमालयन
हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर जो होती है वो क्या होती है, हिमालयन रिवर जो पेरिनियल बताई थी, पेरिनियल यानी कि क्या, पेरिनियल जो होता है कि उसमें इयर्स तक, जैसे 1 ईयर 2 ईयर्स तक इसमें पानी रहता है, पानी क्या होता है, पानी जाता नहीं है यानी कि सूखा नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होता है, सीजनल सीजनल सीजन में यानी कि मंथली, वैसे मंथ में, एक मंथ में, दो मंथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है, ठीक है, या पानी का फ्लो कम होने लगता है। सो अब देखिए कि थर्ड डिफरेंस क्या है। अब हिमालयन रिवर जो होती है, हिमालयन रिवर जो होती है वो अगर रेन होगी तो उसमें क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर रेन नहीं भी होगी जब भी उसमें पानी रहता है। पर पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि अगर रेन होगी तो पानी रहता है, अगर रेन नहीं होगी तो उसमें क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है या पानी का फ्लो कम होने लगता है, बहुत कम होने लगता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये तो डिफरेंस बता दिया मैंने ना, हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस तो पता चल गया। अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हिमालयन रिवर है, अब रिवर सिस्टम देखते हैं। रिवर सिस्टम क्या होता है, रिवर सिस्टम में क्या होता है, जब रिवर अलॉन्ग करती है विद इट्स ट्रिब्यूटरी, उनके ट्रिब्यूटरी से जब रिवर अलॉन्ग करती है सो उसी को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब पहले था हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर में कैसे रिवर सिस्टम होता है चलिए देखते हैं। सो कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे। सो पहले तो देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर है उनकी थ्री मेन रिवर्स होती हैं। क्या क्या होती हैं वो, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये थ्री मेन रिवर्स होती हैं किसकी, हमारी हिमालयन रिवर की, ठीक है। अब ये थ्री मेन रिवर होती हैं। अब पहले देखते हैं हम द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम देखते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में क्या होता है, अब देखिए इंडस रिवर सिस्टम में क्या होता है कि जब यहाँ इंडस रिवर सिस्टम में पहले देखिए कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है। यहाँ मैप में देखिए, यहाँ तिब्बत से निकल रही है, यहाँ से तिब्बत से निकलती है, फिर जाती है ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट क्या, लद्दाख में, लद्दाख में जाती है, फिर लद्दाख से होते हुए यहाँ आती है ये पाकिस्तान में, लद्दाख से होते हुए यहाँ पाकिस्तान में आ जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ, अब ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद इसकी जो ये कितनी लॉन्ग होती है, ये होती है 2900 किलोमीटर की, कितनी 2900 किलोमीटर की होती है। अब इसने जो ट्रिब्यूटरीज बनाई है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या क्या है, अब पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था वहां पे क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखते हैं झास्कर, क्या पहले झास्कर एक ट्रिब्यूटरी, फिर सेकंड क्या है सेयोक, क्या है सेयोक, एक है हुंजा, हुंजा क्या है हुंजा, ये तीन नाम है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखिए क्या क्या है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी फर्स्ट है यहाँ पे झास्कर, क्या झास्कर, झास्कर सेकंड है, झास्कर के बाद है यहाँ पे, झास्कर के बाद क्या बताया था शेयोक, शेयोक, फिर थर्ड क्या बताया था हुंजा, हुंजा यहाँ पे हो गया, ये हुंजा थर्ड हो गया हुंजा, ठीक है, झास्कर शेयोक और हुंजा ये हो गया। अब ये तो हो गई कहा जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था। अब जब पाकिस्तान में आती है, जब इंडस रिवर पाकिस्तान में आ जाती है तो पाकिस्तान में कौन कौन सी होगी, ये तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ लिख देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्या है, ये वाले जो है ये हमारा है पाकिस्तान का, यहाँ पे यहाँ देखिए ये पाकिस्तान का पहले फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारी बीज, क्या बीज, सेकंड है हमारी रावी, सेकंड है रावी, तो बीज रावी, और है थर्ड है चेनब, चेनब क्या है चेनब, ये कहाँ के ट्रिब्यूटरीज है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये कहाँ की है, पाकिस्तान के ट्रिब्यूटरीज है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी बनी, झास्कर शेयोक और हुंजा, और पाकिस्तान में कौन सी बनी, बीज रावी और चेनब, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी ट्रिब्यूटरीज बनी इंडस रिवर की, पाकिस्तान में कौन सी है, ठीक है। सो इतनी तो बात कर ली हमने इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम में इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है चलिए देखते हैं। अब गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है, अब गंगा जो रिवर आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है उत्तराखंड से, यहाँ से उत्तराखंड से आती है गंगा रिवर,
उत्तराखंड से, उत्तराखंड में कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर, एक ग्लेशियर होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, वहां से गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए यहाँ से आती है ये, यहाँ पे आ जाती है हरिद्वार में, फिर वहां से अलाहाबाद से होते हुए वेस्ट बंगाल में आ जाती है, अलाहाबाद से होते हुए जाती है ये, फिर वेस्ट बंगाल में आके, वेस्ट बंगाल में आके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, वेस्ट बंगाल में आके बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। फिर इसकी जो इसकी ये कितनी लंबी है, ये कितनी लॉन्ग है, लेंथ कितनी है इसकी? 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर हो गई। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये तो गंगा रिवर का बारे में बता दिया। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी बनी, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो उसकी बात करते हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए यहाँ लिखे तो मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, यहाँ देखते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज, द मेन ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर तो कौन कौन सी है, चलिए यहाँ देखते हैं। सो कौन कौन सी है यहाँ पे हम देखते हैं, मेन मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर की कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है। सो यहाँ पे देखिए मेन ट्रिब्यूटरीज जो हमने बनाई वो कौन कौन सी बनी, एक बनी चैम्बल, क्या बनी? चैम्बल, फर्स्ट है चैम्बल, सेकंड है बिटवा, क्या है? बिटवा। थर्ड है सन, 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 क्या है बनी? फर्स्ट है, पहले फर्स्ट क्या है? चैम्बल, सेकंड है बिटवा, BTW बिटवा, फिर है सन, ठीक है। ये क्या है? मेन ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा रिवर, इसकी गंगा रिवर की, यहाँ गंगा रिवर। सो मेन ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की, कौन? चैम्बल, बिटवा और सन, ये मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये गंगा रिवर सिस्टम आपको क्लियर हुआ। और मैंने ये भी बता दिया गंगा रिवर कितने किलोमीटर की है, तो कितने की बताई थी मैंने? 2500 किलोमीटर। अब इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम क्या होता है, चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम क्या होता है। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो तिब्बत से आती है, यहाँ से ये तिब्बत से निकल के आती है, फिर निकल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, फिर वहां से ये यू टर्न ले लेती है, फिर कहाँ से आती है? आसाम में, कहाँ जाती है? यहाँ जाती है आसाम में, आसाम में आने के बाद ये आती है हमारे, आसाम में आने के बाद ये आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में फिर यहाँ जाती है, गंगा रिवर भी यही होती है। फिर ये जो दोनों जो बनाती है ये डेल्टा बना लेती है, दोनों रिवर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे डेल्टा बना लेती है। ये डेल्टे का नाम क्या है? डेल्टे का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, क्या क्या बना लेती है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब ये कितने किलोमीटर का होता है? ये होता है 1800 किलोमीटर का, ये होता है सुंदरबन डेल्टा। ये कौन बनाते हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ लिख देता हूँ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये कौन बनाता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सुंदरबन डेल्टा बना देती है। और ये कितने किलोमीटर का होता है? 1800 किलोमीटर का। और ये जो है इट इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, लिख देता हूँ इट इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, वन हमारा सुंदरबन डेल्टा। सो ये क्लियर हुआ। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, अब इनकी जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, इन आसाम, आसाम की जो ट्रिब्यूटरी है वो देखते हैं। अब ये तो आपको क्लियर हुआ, ये तो पता चलिए ना आपको, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। सो वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। अब यहाँ देख लेते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब यहाँ पे क्या है, इन आसाम, आसाम की ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है आसाम, आसाम वाली, यहाँ लिख देता हूँ मैं आसाम, आसाम। अब देखिए क्या क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे दिहंग, क्या? दिहंग। सेकंड है दिभंग, दिभंग, दिभंग। फिर थर्ड है लोथी, लोथी,
ये है फर्स्ट क्या है दिहांग, सेकंड है डिभांग और थर्ड है लोथी। सो ये जो ट्रिब्यूटरी बनाती है कहाँ बनाती है आसाम में, जब वो अरुणाचल प्रदेश से इंटर किया था सो क्या बनाया था आसाम में आ गई थी, आसाम में जो ट्रिब्यूटरी बनाई थी आसाम की जो ट्रिब्यूटरी थी उसकी क्या था दिहांग दिभांग और लोथी। ठीक है ये हो गया। सो अब ये तो हमारा हो गया इतना सब हिमालयन रिवर के बारे में। अब क्या है पेनिनसुलर रिवर, हमारी पेनिनसुलर रिवर। सो इसमें हमने क्या पढ़ा थ्री मेन रिवर्स पढ़ी, सो उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में और ट्रिब्यूटरी और उनका रिवर सिस्टम कैसे होता है वो पढ़ लिया। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में क्या बताया था, पेनिनसुलर रिवर, अब पेनिनसुलर रिवर का जो रिवर सिस्टम है वो किन किन रिवर से होता है, वो सिक्स रिवर होती है। कौन सी नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर और महानदी रिवर और कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। ठीक है ये हो गई। अब इसके बाद आप देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की, नर्मदा रिवर की। अब नर्मदा रिवर कहाँ से, नर्मदा रिवर निकलती है यहाँ से मध्य प्रदेश से, कहाँ से यहाँ मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से निकलती है यहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा रिवर है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ जाती है राइज और फ्लो कहाँ करती है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और कहाँ आ जाती है अरेबियन सी में आ जाती है, कहाँ आती है अरेबियन सी में आती है, ये कहाँ जाती है अरेबियन सी में। अब ये कहाँ आ रही है, ये अरेबियन सी में आ रही है। और जो तापी रिवर है, तापी रिवर भी बिल्कुल अब आती है तापी रिवर भी बिल्कुल नर्मदा रिवर जैसी है, यानी कि ये भी मध्य प्रदेश से आती है राइज करती है फिर क्या करती है ये रिफ्ट वैली में आ जाती है, ये भी रिफ्ट वैली में आ जाती है। ठीक है रिफ्ट वैली में आती है और मध्य प्रदेश से कौन से स्टेट से निकलती है बितुल स्टेट से निकलती है और फिर यहाँ पे क्या आ जाती है ये भी अरेबियन सी में आ जाती है। ये तो दो रिवर है हमारी नर्मदा रिवर और तापी रिवर, ये कहाँ आती है, ये कहाँ आती है, ये अरेबियन सी में आती है, कहाँ अरेबियन सी में आती है। ठीक है ये क्लियर हो गया अरेबियन सी में आती है। अब इसके बाद यहाँ देखिए आप, अब इसके बाद जो रिवर आती है हमारी गोदावरी रिवर, क्या गोदावरी रिवर। अब ये जो है ये सबसे लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, क्या है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी रिवर। ये कितने किलोमीटर की, ये है 1500 किलोमीटर की, कितनी 1500 किलोमीटर की ये है कौन हमारी गोदावरी रिवर। अब ये कहाँ से निकलती है गोदावरी रिवर, ये निकलती है ये महाराष्ट्र के स्टेट से निकलती है, कहाँ से महाराष्ट्र के एक स्टेट से निकलती है, महाराष्ट्र का कौन सा स्टेट है वो नासिक, कौन सा स्टेट है नासिक, नासिक स्टेट से यहाँ से ये नासिक स्टेट यहाँ है, नासिक स्टेट से निकलती है ये ना, और ये कहाँ जाती है नासिक स्टेट से निकल के फिर ये आ जाती है हमारी, फिर ये यहाँ बेव बंगाल में आती है, ये कहाँ जाती है ये भी बेव बंगाल में जाती है। बस जो दो रिवर है नर्मदा रिवर और तापी रिवर वो अरेबियन सी में जाती है और बाकी रिवर कहाँ जाती है सब बेव बंगाल में जाती है। अब यहाँ देखिए ये हो गया, अब गोदावरी रिवर बता दी मैंने कहाँ जाती है बेव बंगाल में। ठीक है अब ठीक है ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आती है हमारे कृष्णा रिवर, क्या कृष्णा रिवर वो सॉरी कृष्णा रिवर से पढ़ने से पहले महानदी रिवर, क्या महानदी रिवर, महानदी रिवर क्या होती है, अब ये कहाँ से निकलती है महानदी रिवर, महानदी रिवर जो हमारी निकलती है ये कहाँ से निकलती है वेस्टर्न स्लोप और ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप से निकलती है ये। ठीक है किसी ईस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप से निकलती है, वेस्टर्न घाट की स्लोप से निकलती है यहाँ से ये निकलती है वेस्टर्न घाट की स्लोप से। ठीक है और ये भी कहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल में ही जाती है और ये कितने किलोमीटर की होती है ये 860 किलोमीटर की ये होती है। अब इसके बाद आता है हमारा कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर कहाँ से आती है, कृष्णा रिवर कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर, निकलती है स्प्रिंग से, स्प्रिंग से जो स्प्रिंग वो नियर है महाबलेश्वर के, महाबलेश्वर है एक जगह महाबलेश्वर से के नियर है वो स्प्रिंग। ठीक है वहां से निकल के फिर ये कहाँ जाती है ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है और ये कितनी किलोमीटर की होती है ये होती है 1400 किलोमीटर की ये होती है। ठीक है इसके बाद जो हमारी लास्ट रिवर आती है कावेरी रिवर, क्या कावेरी रिवर, कावेरी रिवर अब कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, कावेरी रिवर हमारी निकलती है ये छत्तीसगढ़ की जगह है, छत्तीसगढ़ से निकलती है यहाँ से ये भी कहाँ जाती है फिर बे ऑफ बंगाल में, कहाँ जाती है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है और कितने किलोमीटर की होती है ये होती है 760 किलोमीटर की, कितनी 760 किलोमीटर की ये होती है।
अब ये हुआ क्लियर आपको। अब जो ये कावेरी रिवर जो है, अब ये जो कावेरी रिवर है ये क्या बनाती है, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट क्या बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। क्या ये जो हमारी कावेरी रिवर है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है ये, ठीक है, वर्ल्ड का। अब इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे क्या होती है, इससे कावेरी रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वो जो कहाँ सप्लाई होती है, वो कहाँ सप्लाई होती है, वो होती है मैसौर बेंगलोर में, मैसौर में बेंगलोर में और कोलार, ठीक है, यहाँ यहाँ सप्लाई होती है। और अब ये जो कावेरी रिवर है इसमें अब यहाँ देखिए, इसके बाद जो हमारा 71% क्या है वाटर है, वाटर से कवर्ड है हमारे यहाँ 71%, पर उसमें क्या है, उसमें 97% क्या है सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है 97%, और यहाँ पे हमारा सिर्फ 3% ही क्या फ्रेश वाटर है, पीने का वाटर है हमारा सिर्फ 3% ही, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद इसके साथ साथ हमारे पेनिनसुला रिवर भी खत्म होता है। अब रिवर हमारी रिवर पेनिनसुला रिवर और हिमालय रिवर भी क्लियर होता है, ठीक है, रिवर पढ़ लिया हमने दोनों। अब इसके बाद आता है लेक्स, लेक्स क्या होती है, लेक्स भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मैनमेड लेक्स, नेचुरल लेक्स, मैनमेड लेक्स, नेचुरल लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक और फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक्स, ये सब होती है, ठीक है। अब चले मैनमेड लेक्स, मैनमेड लेक्स जो होती है, मैनमेड लेक्स क्या होती है, मैनमेड लेक जैसे श्रीनगर, श्रीनगर लेक जो होती है वो क्या होती है, वो मैनमेड लेक है, श्रीनगर लेक जो है वो मैनमेड लेक है, वो किसने बनाई है, मैन ने बनाई है वो लेक। अब यहाँ पे देखिए आप, अब इसके बाद नेचुरल लेक, नेचुरल लेक में जैसे नैनीताल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल लेक, ऐसे ये जो ये सब जो लेक होती है ये नेचुरल लेक है। अब फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है और क्या सॉल्ट वाटर लेक कौन कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है, चलिए फ्रेश वाटर बताता हूँ। फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक है हमारी भीमताल लेक, नैनीताल लेक, नैनीताल लेक जो होती है वो क्या है, वो उसमें फ्रेश वाटर होता है, पीने का पानी होता है, भीमताल लेक पे भी क्या होता है, पीने का पानी होता है। अब राजस्थान की जो सांभर लेक होती है, राजस्थान में जो सांभर लेक होती है वो क्या होती है, राजस्थान में जो सांभर लेक होती है वो क्या होती है, वो सॉल्ट वाटर लेक होती है, क्या होती है सॉल्ट वाटर, उसमें पानी कैसे होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, ये हो गया। अब ये लेक्स का समझ में आ गया। अब लेक्स की भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, यानी कि लेक्स के यूजेस क्या क्या है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, टूरिज्म, टूरिज्म घूमने जाते हैं, टूरिज्म घूमने जाते हैं यहाँ पे। सेकंड क्या, हाउस बोट, हाउस बोट यहाँ पे हम हाउस बोट, बोट का घर बनाते हैं, हाउस बोट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेक्स में। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है यहाँ से, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर भी हमें से पीने को मिलता है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। सो ये तो लेक्स की बात हो गई, क्या लेक, लेक्स। अब क्या रिवर्स, रिवर्स की बात देख लेते हैं, रिवर्स, रिवर्स में यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट रिवर में भी क्या है, टूरिज्म, फर्स्ट रिवर में भी क्या है, टूरिज्म ही है। सेकंड क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये हो गया ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर के बाद थर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ क्या है, फोर्थ यहाँ पे क्या है, बात भी करते हैं लोग, बातिंग, वॉशिंग क्लोथ, और क्लोथ भी वॉश करते हैं, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग क्लोथ, ठीक है, ये हो गई इतनी बात तो हमारी लेक्स में। यहाँ रिवर, रिवर में क्या आता है, रिवर में अब ये जो थ्री ऊपर के जो थ्री पॉइंट्स है, ये जो क्या है, ये मेन पॉइंट्स है, थ्री मेन पॉइंट्स है यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या है, टूरिज्म, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा, इसके बाद ये क्यों की है, क्यों है मेन पॉइंट्स, क्योंकि ये क्या है, रोल ऑफ रिवर इकोनॉमिक में आते हैं, जो हमारा जो पार्ट्स
टॉपिक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें ही आते हैं। अब रोल ऑफ रिवर इकोनॉमिक में कैसे आते हैं, अब रोल करते हैं ये रिवर इकोनॉमिक में, टूरिज्म में जाते हैं यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर सबसे जरूरी, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट है ये भी तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, क्यों गए। सो अब इसके बाद ये समझ में आ गया आपको। अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है रिवर पॉल्यूशन। क्या रिवर पॉल्यूशन, रिवर में कैसे पॉल्यूशन होता है, इजी है, बहुत इजी है। अब रिवर में जैसे आप वॉश क्लोथ वॉश करते हैं तो उनकी जो गंदगी जाती है वो रिवर में जाती है, अब बात करते हैं तो आपकी गंदगी रिवर में जाती है। अब जैसे आप कूड़ा कचरा भी डालते हैं रिवर्स में, सो इससे क्या होता है रिवर पॉल्यूटेड हो रही होती है, रिवर क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। सो इससे क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन, ठीक है, राइट, क्लियर हुआ। सो इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।